ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लायर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा था और एक रिजल्ट गया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आज हम उसी चैप्टर को, रियल नंबर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 पे आए हुए थे हम। लगभग हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम करनी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम है वो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इट मीन्स क्या कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर सपोज हमारे पास 24 है, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कीजिए 2 पे 12, 2 पे 16, 2 पे 3, 3 पे 1, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कि किसी भी कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। क्या ऐसे और प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आता हो? कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 आया होगा, बट 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर्स का होना कंपलसरी है, बट इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इनको लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यही ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, क्या आते हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, क्या है वो क्वेश्चन? कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होता है, सपोज 50 है, इसके एंड में क्या है? जीरो है। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो क्या बनेगी 50 की? 2 पे 25, 5 पे 5। इट मीन 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5। या मैं फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 10। दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन बट दिस इज अनदर वन मेथड टू राइट 50, 5 इंटू 10। जो भी नंबर जीरो से एंड होगा 10 उसका फैक्टर बनेगा, इट मीन्स 10 उस नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर किसी नंबर को 10 डिवाइड कर रहा है तो 2 एंड 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखाई देंगे ही देंगे। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या आता है हमारी बुक में? क्वेश्चन आता है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आता है हमारे क्वेश्चन। हमें ये बताना है 6 की पावर क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए आंसर जो आएगा वो 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए 6 की पावर n है, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इसकी पावर n, इट मीन्स 2 की भी पावर n इंटू 3 की भी पावर n। इट मीन्स जैसे जैसे मैं n को बढ़ाती जाऊं या घटाती जाऊं, बस 2 की पावर और 3 की पावर बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी। अब हमने अभी थ्योरम की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, विच सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, इसके प्राइम फैक्टर में ओनली 2 एंड 3 ही आएंगे। क्या कभी 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा? नहीं आएगा। अगर 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा और हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 एंड 5 दोनों का उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आना कंपलसरी है। अगर 5 नहीं आएगा तो किसी भी n के लिए ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो रीजन क्या है? फॉर एनी नंबर टू बी एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 एंड 5 बोथ एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। द
but here 5 is not the prime factor of 6 ki power and so it will never end with the digit 0. Clear? उसके बाद हमारे पास कुछ questions आते हैं, हमें composite number prove करना है. आप लोगों को पता है composite number होते क्या है, जो 1 और itself के अलावा किसी और number से भी क्या हो जाए, divide हो जाए. जैसे question आता है हमारे पास, चेक करना है हमें या प्रूव करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है. अब देखो इस नंबर में से 5 क्या आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसमें से 5 हमने कॉमन निकाले, यहाँ क्या बचेगा 1. इट मीन्स ये नंबर 5 इंटू समथिंग, अगर मैं इसको एम मान लू, इस कंप्लीट को सोल्व करके m एक इंटीजर आएगा, वेयर m इज इक्वल टू दिस. ये नंबर 5 का क्या आ गया मल्टीपल, हमें पता है हर एक नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है और ये नंबर 5 का मल्टीपल है तो इट मींस ये नंबर 5 से भी डिवाइड होगा. अगर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर, बिकॉज इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट इज ए कंपोजिट नंबर. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2. अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्या है देखिए, इसके बेसिक में सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की नॉलेज होना जरूरी है. रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स, सभी को मालूम होना चाहिए. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. यहां पे हम एक और इसमें कुछ ऐड करेंगे क्या, देखो पी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर P and Q are integers Q not equal to 0. देखिए जब भी हम किसी रैशनल नंबर को लिखते हैं जहां तक वो कैंसल हो सकते हैं, इट मीन जो उनके बीच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं हम दोनों को कैंसल कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम तब तक कैंसल करते हैं जब तक वो कैंसल होना बंद ना हो जाए, मतलब उनका प्राइम फैक्टर सॉरी कॉमन फैक्टर वन ना हो जाए. इट मींस जो एचसीएफ है वो पी एंड क्यू का क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1. ये एक नई कंडीशन ऐड करेंगे हम रैशनल नंबर्स में, और जो नंबर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो कौन से कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स. अब एक और रिजल्ट है हमारे पास कि रूट पी इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी इज ए प्राइम नंबर तो ये नंबर ऑलवेज क्या बनेगा इरेशनल. Irrational कब, इफ पी इज प्राइम, अगर पी प्राइम हो जाता है तो रूट पी इज ऑलवेज इरेशनल. तो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल. एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्या क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल. हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मान लीजिए और अपने आप को ही गलत प्रूव कर दीजिए. ठीक है, तो हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम इसको क्या मान लेंगे रेशनल. तो लेट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी रूट थ्री इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. इट इंप्लाइज रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड द मोस्ट वन एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब रूट हमारे पास क्या आ गया
रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर हम क्यू को इधर मल्टीप्लाई में ले जाए तो क्या होगा, रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्यू इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, या ये कह सकते हैं बोथ साइड हमने क्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मैं पी को लेफ्ट में लिख रही हूँ और रूट थ्री क्यू को राइट में, कोई डिफरेंस नहीं है, दो चीजें अगर इक्वल है तो हम लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इस साइड हो जाएगा पी का स्केयर, इस साइड रूट थ्री इंटू क्यू का होल स्केयर, ये बन गया पी स्केयर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्केयर। अब हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट टू न्यू पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। अगर मैं इसको डिविडेंड मान लू, इसको डिवाइजर, इसको कोशेंट, तो रिमाइंडर कहां है ही नहीं, इट मीन्स रिमाइंडर कितना है हमारा, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है इट मीन्स थ्री ने पी स्केयर को कम्प्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड, इट इम्प्लाइज थ्री डिवाइड्स पी स्केयर। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है, याद रखना है रिजल्ट आपको, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। रिपीट कर रही हूं मैं, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वेयर को भी डिवाइड करता है तो वो नंबर प्राइम उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड, इट इम्प्लाइज थ्री डिवाइड्स पी। अब थ्री पी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर पी को हम डिविडेंड लें थ्री को डिवाइजर तो कुछ ना कुछ कोशियंट आएगा, मान लीजिए एम आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि थ्री पी को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड, वेयर एम इज एन इंटीजर। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं डायरेक्ट कर रही हूं पी का स्केयर, इधर थ्री एम का होल स्केयर, ये बनेगा पी स्केयर इज इक्वल टू नाइन एम स्केयर। देखिए इस इक्वेशन को फर्स्ट बना लीजिए और इसको सेकेंड, बाय वन एंड टू। देखिए पी स्केयर थ्री क्यू स्केयर के भी इक्वल है और पी स्केयर नाइन एम स्केयर के भी इक्वल है, तो बाय इक्वेशन वन एंड टू वी नो दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स थ्री क्यू स्केयर इज इक्वल टू नाइन एम स्केयर। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम, थ्री से उस साइड लेके जाएंगे, क्यू स्केयर इज इक्वल टू नाइन एम स्केयर बाय थ्री, थ्री से कैंसिल, क्यू स्केयर इज इक्वल टू थ्री एम स्केयर। देखिए ये हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन, रिमाइंडर कितना है, जीरो। इट मीन्स थ्री ने क्यू स्केयर को कंप्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड, थ्री डिवाइड क्यू स्केयर। अब जो थ्योरम हमने यहां लगाई थी कि थ्री डिवाइड्स पी स्केयर, अगेन यहां लगा सकते हैं कि कोई प्राइम अगर किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम इस नंबर को भी कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड। अब देखिए थ्री ने पी को भी कंप्लीटली डिवाइड किया, थ्री ने क्यू को भी कंप्लीटली डिवाइड किया, इट इम्प्लाइज थ्री डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू। तो थ्री ने पी एंड क्यू बोथ को डिवाइड कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में आ जाओ, हमने क्या लिया था, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज वन। एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि पी एंड क्यू दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर वन है, बट हमारा यहां पे कितना आ गया, थ्री। तो ये तो हमने जो सपोज करके चले थे उसमें क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, बट एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज वन, सो देयर अराइजेज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने रूट थ्री को क्या माना, रैशनल नंबर, इट मीन्स रूट थ्री इज इरेशनल, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, रूट थ्री इज इरेशनल। तो इस टाइप से आप रूट फाइव को भी कर सकते हो, रूट इलेवन को, रूट सेवन को, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके रूट को आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो बाय दिस मेथड। आप क्वेश्चन ट्राई करना, 1.3 के सभी कंप्लीट हो गई आपकी, यही बेसिक था इसका। थैंक यू।